अपने किस अंग में प्राण की न्यूनता है इसको जानना और वहां अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति द्वारा प्राण को पहुंचना चाहिए। यही अपना आरोग्य बढ़ाने का उपाय है। वेद में जो आंगिरस विद्या है वह यही है। प्राण का रक्षण करने के विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। मेरे प्राण अपान व्यान का संरक्षण करो। इनका संरक्षण करने से ही ये प्राण सब शरीर का संरक्षण कर सकते हैं। तथा प्राण की पवित्रता करता हूँ, प्राण की तृप्ति करो। तृप्ति और पवित्रता से ही प्राण का संरक्षण होता है। अतृप्त इंद्रिया होने से मनुष्य भोगों की ओर जाता है और पतित होता है। इस प्रकार भोगों में फंसे हुए मनुष्य अपनी प्राण की शक्ति व्यर्थ खो बैठती है। इसीलिए प्राण का संवर्धन करने वाले मनुष्यों को उचित है कि वे अपना जीवन पवित्रता से और नित्य तृप्त व्रति से व्यतीत करें। अपवित्रता और असंतुष्टता ये दो दोष प्राण की शक्ति घटाने वाले हैं। शक्ति घटाने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक में प्राण शक्ति और वीर्य बढ़ाओ। प्राण शक्ति नासिका के साथ संबंध रखती है और जब यह प्राण शक्ति बलवान होती है तब वीर्य भी बढ़ता है और स्थिर होता है। वीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहती हैं। शरीर में वीर्य रहने से प्राण रहता है और प्राण के साथ वीर्य भी रहता है। एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले ये शक्तियां हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की रक्षा करके उद्धरवरेता बनते हैं उनका प्राण भी बलवान हो जाता है और उनको आसानी से प्राणायाम की सिद्धि होती है। तथा जो प्रारंभ से प्राणायाम का अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं उनका वीर्य स्थिर हो जाता है। यद्यपि किसी किसी कारणवश प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य ना रहा तो भी वह नियम पूर्वक अनुष्ठान से उत्तर आयु में प्राण साधन से अपने शरीर में प्राण शक्ति का संवर्धन और वीर्य रक्षण कर सकता है। जिसका ब्रह्मचर्य आदि प्रारंभ से ही सिद्ध होता है उसको शीघ्र और सहज सिद्धि होती है। परंतु जिसको प्रारंभ से सिद्ध नहीं होता उसको यह बात प्रयत्न से सिद्ध होती है। प्राण शक्ति के संवर्धन के उपायों में गायन भी एक उपाय है। गायन और प्राण शक्ति साम प्राणम प्रपद्धे, प्राण को लेकर साम की शरण लेता हूँ। सामवेद गायन और उपासना का वेद है। ईश उपासना और ईश गुणों के गायन से प्राण का बल बढ़ता है। केवल गान विद्या से भी मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। इसके लिए गायन से दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। गायक लोग यदि दुर्व्यसनों में ना फंसेंगे तो वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। गायन का आरोग्य के साथ अत्यंत संबंध है। उपासना के साथ भी गायन का अत्यंत संबंध है। मन गायन से उपासना में अत्यंत तल्लीन होता है और यही तल्लीनता प्राण शक्ति को प्रबल करने वाली है। यह बात और है कि गायन का धंधा करने वाले आजकल के स्त्री पुरुषों ने अपने आचरण बहुत ही गिरा दिए हैं। परंतु यह दोष गायन का नहीं है, वह उन मनुष्यों का दोष है। तात्पर्य यह है कि जो पाठक अपने प्राण को बलवान करना चाहते हैं वे सामगान अवश्य सीखें अथवा साधारण गायन सीखकर उसका उपासना में उपयोग करके मन की तल्लीनता प्राप्त करें। मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान रहें, यह इच्छा हर एक मनुष्य स्वभावतः धारण करती ही है। परंतु कभी कभी व्यवहार उस इच्छा से विरुद्ध करता है। जब इच्छा के अनुसार व्यवहार हो जाएगा तब सिद्धि में किसी प्रकार का विघ्न हो नहीं सकता। प्रस्तुत प्राण का प्रकरण है। इसका संबंध बाहर के शुद्ध वायु के साथ है और अंदर का संबंध नासिका आदि स्थान के साथ है। इसीलिए कहा है कि वातम प्राणेन अपानेन नासिके। प्राण से वायु की प्रसन्नता और अपान से नासिका की पूर्तता करनी चाहिए। बाहरी शुद्ध और प्रसन्न वायु के साथ प्राण हमारे
शरीरों में जाता है और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है। बाहरी वायु की प्रसन्नता और नासिका की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। नाक की मलिनता और अपवित्रता के कारण प्राण की गति में रुकावट होती है। प्राण की प्रतिष्ठा के लिए ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रों से मिलती है। प्राण की प्रतिष्ठा, प्राण अपान व्यान उदान आदि सब प्राणों की प्रतिष्ठा और उनका व्यवहार उत्तम रीति से होना चाहिए। सब प्राणों को तेजस्वी करो, सब प्राणों के लिए त्याग करो। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह देखे कि अपने आचरण से अपने प्राणों को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, अपने प्राणों की प्रतिष्ठा बढ़ रही है या घट रही है, अपने प्राणों के साथ सभी व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसी में कोई त्रुटि है, अपने प्राणों का तेज बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका विचार करना हर एक का कर्तव्य है, क्योंकि इनका विचार करने से ही हर एक जान सकता है कि मैं प्राण विषयक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं। प्राण विषयक कर्तव्य का स्वरूप स्वाहा शब्द द्वारा व्यक्त हो रहा है। सब अन्य इंद्रिय गौण है और प्राण मुख्य है, इसलिए अन्य इंद्रियों के भोगों का सहकार प्राण के संवर्धन के लिए होना चाहिए। अर्थात इंद्रियों के भोग भोगने के लिए जो शक्ति खर्च हो रही है, उसकी बहुत सा हिस्सा प्राण की शक्ति बढ़ने के लिए खर्च होना चाहिए। मनुष्य के सामान्य व्यवहार में देखा जाएगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रिय भोग भोगने में यदि शक्ति के 100 में से 99 भाग खर्च हो रही हैं, तो प्राण संवर्धन में एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राण के लिए कुछ शक्ति खर्च नहीं होती, परंतु गौण इंद्रिय भाग के लिए ही सब शक्ति का व्यय हो रहा है। क्या यह आश्चर्य नहीं है? वास्तव में मुख्य के लिए अधिक और गौण के लिए कम व्यय होना चाहिए। यही वेद ने कहा है कि प्राण संवर्धन के लिए अपनी शक्ति का स्वाहा करो, अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राण संवर्धन के लिए कितने खर्च किए जाते हैं और भोगों के लिए कितने खर्च किए जाते हैं, इसका विचार कीजिए। मनुष्यों का उल्टा व्यवहार हो रहा है, इसीलिए इस विषय में सावधानता रखनी चाहिए। प्रतिदिन ऐसा विभाग करना चाहिए कि जिसमें बहुत सा हिस्सा प्राण वर्धन के कार्य के लिए समर्पित हो सके। देखिए, राजा मे प्राणः, मेरा प्राण राजा है। सब शरीर का विचार कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि सबका राजा प्राण ही है। आप समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है। जब आपके घर में राजा ही अतिथि आता है, उस समय आप राजा का ही आदरातिथ्य करते हैं और उनके नौकरों की तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परंतु जितना राजा की ओर ध्यान दिया जाता है, उतना अन्यों के विषय में ध्यान नहीं दिया जाता। यही न्याय यहाँ है। इस शरीर में प्राण नामक राजा अतिथि आया है और उसके अनुचर अन्य इंद्रिय गण हैं। इसीलिए प्राण की सेवा शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, क्योंकि यह ठीक रहा तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं, परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर चला गया तो एक भी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा। आजकल इंद्रियों के भोग बढ़ाने में सब लोग लगे हैं, प्राण की शक्ति बढ़ाने का कोई ख्याल नहीं करता। इसीलिए प्राण अप्रसन्न होकर शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ने लगता है, तब अन्य इंद्रिय शक्तियां भी उसके साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं। यही अल्प आयुता का कारण है, परंतु इसका विचार बहुत ही थोड़े लोग प्रारंभ से करते हैं। तात्पर्य, इंद्रिय भोग भोगने के लिए शक्ति कम खर्च करनी चाहिए, इसका संयम ही करना चाहिए और जो बल होगा उसको अपर्ण कर प्राण की शक्ति बढ़ाने में पराकाष्ठा करनी चाहिए। अपने प्राण की बुरे कार्यों में समर्पित करने से बड़ी ही हानि होती है।
कितने दुर्व्यसन और कितने कुकर्म हैं कि जिनमें लोग अपने प्राण अर्पण करने के लिए आनंद से प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सत्कर्म के साथ ही अपने प्राणों को जोड़ना चाहिए। देखिए, वेद कहता है, सत्कर्म और प्राण, मेरी आयु यज्ञ से बढ़े, मेरा प्राण यज्ञ से समर्थ हो, मेरा प्राण अपान व्यान और साधारण प्राण यज्ञ द्वारा बलवान बने।